अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल सईद। मैं सईद शेख। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सऊदी रियाल एक्सचेंज रेट इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश और नेपाल के बारे में। क्या सऊदी अरब की कौन सी बैंक से क्या रेट मिलेगा इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश और नेपाल के लिए। तो चलिए दोस्तों फटाफट से जान लेते हैं आज के रियाल रेट की ताज़ा अपडेट। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में दिए गए नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे प्रेस कर दें। इंजाज बैंक से पैसे भेजने पर इंडिया के लिए आज आपको रेट मिलेगा 21.88 रुपये, पाकिस्तान पैसे भेजने पर आज आपको रेट मिलेगा 73.20 रुपये, वहीं पर बांग्लादेश पैसे भेजने पर आज आपको रेट मिलेगा 29.05 रुपये और नेपाल पैसे भेजने पर आज आपको रेट मिलेगा 35.10 रुपये। और दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं वेस्टर्न यूनियन बैंक की। वेस्टर्न यूनियन बैंक इंडिया के लिए दे रही है 21.87 रुपये, पाकिस्तान के लिए दे रही है 73.77 रुपये, जबकि बांग्लादेश के लिए दे रही है 29.03 रुपये और नेपाल के लिए दे रही है 35.29 रुपये। फौरी बैंक के जरिए पैसे भेजने पर इंडिया के लिए आज आपको रेट मिलेगा 21.87 रुपये, पाकिस्तान पैसे भेजने पर आज आपको रेट मिलेगा 73.17 रुपये, जबकि बांग्लादेश पैसे भेजने पर आज आपको रेट मिलेगा 28.99 रुपये और नेपाल पैसे भेजने पर आज आपको रेट मिलेगा 35.15 रुपये। और दोस्तों अगर आज आप क्विक पे एनसीबी बैंक से पैसे भेजते हैं, क्विक पे एनसीबी बैंक से पैसे भेजने पर इंडिया के लिए आज आपको रेट मिलेगा 21.68 रुपये, पाकिस्तान पैसे भेजने पर आज आपको रेट मिलेगा 73.05 रुपये, वहीं पर बांग्लादेश पैसे भेजने पर आज आपको रेट मिलेगा 28.85 रुपये और नेपाल पैसे भेजने पर आज आपको रेट मिलेगा 34.80 रुपये। और दोस्तों अब हमारे पास मौजूद है अल राजी बैंक से पैसे भेजने पर इंडिया के लिए आज आपको रेट मिलेगा 21.83 रुपये का, पाकिस्तान पैसे भेजने पर आज आपको रेट मिलेगा 73.25 रुपये का, जबकि बांग्लादेश पैसे भेजने पर आज आपको रेट मिलेगा 28.98 रुपये और नेपाल पैसे भेजने पर आज आपको रेट मिलेगा 35.11 रुपये। अगर हम बात कर लें एसटीसी पे एप्लीकेशन की, एसटीसी पे एप्लीकेशन इंडिया के लिए दे रहे 21.78 रुपये, पाकिस्तान के लिए दे रहे 73.40 रुपये, इसी तरह से बांग्लादेश के लिए दे रहे 28.89 रुपये और नेपाल के लिए दे रहे 35.23 रुपये।